यहाँ पर देख सकते हो तो ये जो है ना पूरा का पूरा टूट गया है, मतलब काफ़ी इसका बुरा सीन हो गया यार, मतलब आप सोच सकते हो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो गया मेरा। ठीक है, थोड़ा सा ये अनस्टेबल उड़ रहा है और थोड़ा सा अटपटा सा उड़ रहा है, ऑटो कनेक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो 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 देखो, देखो। तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन। फिलहाल हमने आपके लिए आज एक ड्रोन ला दिया है, काफी इंटरेस्टिंग ड्रोन है। इस ड्रोन का काफी डिमांड था, बहुत ही ज्यादा मेरे चैनल पे इस ड्रोन का डिमांड आ रहा है और इस ड्रोन का बहुत सारे वीडियो में डाल चुका हूँ और उस वीडियो पे आप लोग का प्यार और सपोर्ट देख के ना, मतलब भाई क्या बताऊँ, इतनी खुशी होती है ना, मतलब क्या मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा खुशी है। और चलिए, बकवास तो बहुत सारा होगा, सबसे पहले हम ड्रोन को अनबॉक्स करते हैं, इसको फुल चार्ज करते हैं और उड़ाते हैं और आपको होनेस्ट रिव्यू दूंगा और इस ड्रोन के ऊपर कौन कौन से वीडियो बनाना चाहिए मुझे, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर से बताना। हम फटाफट से इस ड्रोन का अनबॉक्सिंग करते हैं अब। तो गाइस, कुछ इस तरह से आपको पैकेजिंग देखने को मिलता है, इसका ये कागज़ वाले रैपर के अंदर आपको देखने को मिलता है। चलिए फटाफट इसको ब्लेड से हम कट करते हैं, एकदम न्यू ब्लेड है और फटाक से ये कट हो चुका है। ठीक है, और कट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो ये हील स्टार कंपनी का ड्रोन देखने को मिला है मुझे और इसको मैं बाहर निकालता हूँ प्लास्टिक से। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से ये ड्रोन देखने को मिलता है, 4K अल्ट्रा HD डुअल कैमरा लिखा हुआ है ड्रोन का, जो है कुछ इस तरह से आइकन बना हुआ है और यहाँ पर देख सकते हो 998 प्रो मैक्स लिखा हुआ है, माइक्रो फोल्डेबल ड्रोन सेट ऐसा लिखा हुआ है, 2.4 GHz पे पोर्टेबल फोल्डिंग ड्रोन, 4K कैमरा, एल्टीट्यूड होल्ड, वाईफाई एल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। ठीक है, इस साइड से बात करें तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, इस साइड से बात करें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे फीचर आपको देखने को मिलता है और स्मार्ट फोल्डिंग ड्रोन देखने को मिलता है। ठीक है, और एज जो है 14+ है। ठीक है, यहाँ पर दो टेप लगा हुआ है हील स्टार कंपनी का, फटाफट से टेप को हम कट करते हैं, निकालते हैं अपने ड्रोन को और ड्रोन को सबको दिखाता हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर देख सकते हो ड्रोन का जो है बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आपको एक यहाँ पर हील स्टार का ये मतलब स्टिकर जो भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है, 100 रुपये का यहाँ पर कैशबैक के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ड्रोन के उड़ाने के पूर्व कैलिब्रेशन सिंक करना आवश्यक है, बेसिकली ड्रोन खराब हो जाएगा तो ड्रोन को आप सिंक कर लेना जरूरी है, बेसिकली कहने का अर्थ है। ये रहा इसका बैटरी, बैटरी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 1800 mAh का बैटरी आपको देखने को मिलता है। चलिए बैटरी को हम साइड में रख लेते हैं, बैटरी कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और रिमोट की बात करें तो रिमोट का ही काफ़ी मतलब अजीब सा बड़ा सा दिख रहा है, यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिलता है, यहाँ पर दो जॉयस्टिक मिल जाता है और यहाँ पर तीन बटन और यहाँ पर तीन बटन, यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच आपको देखने को मिलता है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी कंपार्टमेंटल देखने को मिलता है जिसमें बैटरी अपना लगा सकते हो, मेड इन चाइना है। ठीक है, और ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है इसको निकालना, तो निकल नहीं रहा, इसको भी निकालते हैं पेचकस से, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये रहा अपना ड्रोन, ड्रोन की बात करें तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है देखने में ड्रोन और काफ़ी प्रीमियम भी लग रहा है। ठीक है, ड्रोन को भी फ्लाई करेंगे, देखेंगे किस तरह से फ्लाई होता है। यहाँ पर दो कैमरा आपको देखने को मिलता है, एक नीचे और एक यहाँ पर ऊपर। ठीक है, तो चलो ड्रोन को मैं साइड में रखता हूँ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मुझे मिलता है। तो गाइस, यहाँ पर एक आपको पाउच देखने को मिलता है, पाउच में बहुत सारे एक्सेसरीज आपको देखने को मिलता है। उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर आपको एक QR कोड मिल जाता है, बेसिकली एप्लीकेशन को डाउनलोड वगैरह करने के लिए और यहाँ पर उसके एप्लीकेशन के बारे में कुछ समझाया गया, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जरूरत ही नहीं पड़ने का। ठीक है, आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है देखने को, यहाँ पर इंग्लिश में भी है ये चीज़ें और यहाँ पर चाइनीज़ में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चाइनीज़ में मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसके अंदर की बात कर ले, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिलता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, सारी चीज़ों को मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको चार यहाँ पर आपको प्रोपेलर गार्ड देखने को मिलता है, तो चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ। एक यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से है और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है माइक्रो USB वाला। ठीक है, इसको भी साइड में रख लेते हैं। और चार यहाँ पर आपको प्रोपेलर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप चाहो तो प्रोपेलर को चेंज कर सकते हो अगर आपका प्रोपेलर ख़राब हो जाता है इनकेस। ठीक है, तो इतने सारे सामान आपको देखने को मिलता है। अब चलिए फटाफट से हम ड्रोन के बैटरी को फुल चार्ज करते हैं और देन इस ड्रोन के बैटरी को इसमें लगाएंगे और इसको हवा में उड़ाएंगे ऊपर आसमान में, तब इससे मजे लेंगे। चलिए इसको पहले चार्ज करते हैं और देन इसको हम फ्लाई करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ड्रोन के बैटरी को फुल चार्ज कर लिया है और मैं ला चुका हूँ अपने ग्राउंड में और चलिए फटाफट इसको फ्लाई करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से फ्लाई करता है। वैसे इसको मैं घर पे फ्लाई कर चुका हूँ, थोड़ा सा ये अनस्टेबल उड़ रहा है और थोड़ा सा अटपटा सा उड़ रहा है। ठीक है, जो बात मैं क्लियर बता रहा हूँ, तो चलिए इसको हम डायरेक्टली उड़ाते हैं। और आज कितने दिनों के बाद धूप निकला है तो मैं सोचा चलो भाई वीडियो शूट किया जाए। फिलहाल मेरा ड्रोन जो है इस तरह से, चलिए इसको अनफोल्ड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अनफोल्ड कुछ इस तरह से आपको कर लेना है ड्रोन को। ठीक है, और अनफोल्ड करने के बाद सिंपली मैं रख देता हूँ वहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ड्रोन को रख दिया है, यहाँ पर भी इसको ऑन कर लेते हैं, बटन दबाया मैंने। तो गाइस देख सकते हो ड्रोन जो है फिलहाल ऑन हो चुका है। चलिए रिमोट को भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने रिमोट को ऑन कर लिया है
ऑन ऑन करते ही ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। ये नहीं है कि आप ऊपर कीजिए नीचे कीजिए तब जाकर ड्रोन कनेक्ट होगा रिमोट के साथ, ऐसा नहीं है। जैसे ही आप ऑन करोगे तुरंत के तुरंत ऑटो कनेक्शन इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको टेक ऑफ करते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, फटाफट से कैमरा को सेटअप कर लेता हूँ मोबाइल के साथ। तो गाइस ये रहा अपना स्मार्टफोन, आप देख सकते हो। मैं वाईफाई को पहले ऑन कर लेता हूँ। वाईफाई ऑन करने के बाद सिंपली मैं मोर सेटिंग पे जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई 8K ये वाले जो नाम आया है उसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और आप अपना इंटरनेट जरूर से बंद कर लीजिएगा। तो मेरा इंटरनेट फिलहाल बंद हो चुका है, वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। सिंपली अब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने यूजर मैनुअल से, ठीक है। तो मैंने यूजर मैनुअल से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आता है, इस पर आके क्लिक करके और यहाँ पर यस कर देना, इस तरह से आपको कर देना, ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन के साथ मिला, मतलब बेसिकली डाउनलोड हुआ था, क्यूआर कोड से मैंने स्कैन किया था, ठीक है। यहाँ पर अलाउ आपको परमिशन को कर देना है और करने के बाद सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो मेरा जो वाईफाई का कैमरा है वो फिलहाल यहाँ पर कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए फटाफट से अब ड्रोन को फ्लाई करते हैं और इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलिए गाइस अब ड्रोन को 1 key टेक ऑफ करते हैं। तो इसमें 1 key टेक ऑफ वाले बटन देखने को मिलता है। तो जैसे ही इस बटन को मैं दबाऊंगा तो 1 key टेक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं कैलिब्रेट कर लेता हूँ ड्रोन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जॉयस्टिक है ना इसको इस तरह से करना है, तो इस तरह से आवाज आएगा और ड्रोन में जो है लाइट ब्लिंक करने का, ठीक है। तो आपका जो ड्रोन है वो कैलिब्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं इस बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो देख सकते हो ड्रोन जो है 1 key टेक ऑफ हो चुका है और इतना हाइट पे अपना आ चुका है। अब मैं ड्रोन को छोड़ दिया हूँ तो देख सकते हो अपने आप आगे की तरफ जा रहा है, यानी कि हवा जो है उस तरह से चल रहा है। तो मैं ड्रोन को थोड़ा अपने पास में बुला ले रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अपने जो ड्रोन है अपने पास में आ रहा है। तो कुछ इस तरह से आप ड्रोन को उड़ा सकते हो, ठीक है। तो गाइस फिलहाल देख सकते हो मैं ड्रोन को अपने फ्लाई कर रहा हूँ और कुछ इस तरह से फिलहाल फ्लाई हो रहा है। इसको मैं 2 number पर डाल लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो उड़ रहा है। इसको मैं फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बटन दबाया मैंने और इस तरह से आप ड्रोन को फ्लिप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार राइट फ्लिप करके दिखा रहा हूँ, यानी कि इस ड्रोन को बेसिकली आप चारों तरफ से फ्लिप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी स्मूथली आपको फ्लिप देखने को मिलेगा। लेकिन इसका ड्रोन जो है थोड़ा सा मतलब फ्लाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ये ड्रोन प्रॉपरली उड़ता नहीं है, ठीक है। कभी कभी अचानक से आगे जाने लगता है, कभी कभी अचानक से पीछे की तरफ आने लगता है, ठीक है। आगे जो है गन्ना का खेत है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं कि कितना दूर तक ये ड्रोन जाता है। तो यहाँ पर देखो 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 ये देखो मतलब ये जो है ना इसमें देखो नहीं कोई इशू मिलता है, जो आगे कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली इस तरह से झुक के पूरा का पूरा मतलब ड्रोन जो है अपना गिर जा रहा है। तो ये इशू इसमें देखने को मिला मुझे, जो कि मैंने को बता दिया आपको। मैं कोई भी चीज़ हाइट छुपाता होता नहीं हूँ, जो क्लियर है वो बता देता हूँ सीधी सी बात है। तो गाइस फिलहाल मैं एक बंदे को भेज चुका हूँ, मतलब एक लड़के को, वहाँ से ड्रोन को लाने के लिए। तो देख सकते हो वो ड्रोन लेकर आ रहा है और आता है तो उसको ड्रोन को ऑफ करूंगा, रिमोट को भी मैं ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद फिर से वापस से ऑन करके फिर से टेक ऑफ किया जाएगा। तो ये जो है प्रॉब्लम मेरे को इस ड्रोन के अंदर देखने को मिला, जो कि मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। और कभी कभी क्या हो रहा है ना, तो ज़्यादा ऊंचाई पे ड्रोन चला जा रहा है तो ऊंचा से ही मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है पता नहीं, और ड्रोन गिरने लग रहा है। तो ये इशू मेरे को देखने को इसके अंदर मिल रहा है। और ये जो ड्रोन है शुरू से ही ऐसा, जैसे मैंने अनबॉक्स किया तो अनबॉक्स करके जैसे ही फर्स्ट चार्ज किया और फ्लाई किया उसी वक्त से ऐसा इशू मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये जो है ना टॉय ड्रोन, इसमें से बहुत सारे ऐसा इशू देखने को आपको मिलता है। तो गाइस देख सकते हो ड्रोन का हालत बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई से और बहुत ज़्यादा स्पीड में गिरा है, ठीक है। पूरा पलट गया था, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ड्रोन को वापस एक बार ऑफ करके और ऑन करने की कोशिश करता हूँ और फ्लाई करता हूँ। देख सकते हो काफ़ी मिट्टी वगैरह लग चुके हैं इसके अंदर। मैंने ड्रोन को ऑफ किया और फिर से ऑन कर दिया, लेकिन एक मेरे को इशू देखने को मिला यहाँ पर। की बात है, चलो भाई अपना मतलब प्रोडक्ट मेरे पास है, लेकिन खो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको और ऊंचाई पे करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी ऊंचाई पे आ चुका है। अब मैं इस बटन को जैसे ही दबाऊंगा तो ये 1 key लैंडिंग वाला बटन है, ठीक है। तो इस बटन को दबाऊंगा तो ये ड्रोन जो है लैंडिंग होना स्टार्ट होगा। तो मैंने दबा दिया, अब देखो
ये जो है ड्रोन अपना नीचे आना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस इसके बटन के बारे में कुछ आपको मैं समझाना चाहता हूँ। ये जो है वन की टेक ऑफ बटन है, ये लैंडिंग बटन है, और इसको मैं दबाए रखूंगा तो ड्रोन मतलब बिल्कुल प्रॉपरली पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। जहाँ भी उड़ रहा होगा वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बटन है इससे क्या होगा, पीछे की तरफ ड्रोन आएगा, यानी कि मैंने ड्रोन को आगे कर दिया, इस बटन को जैसे दबाऊंगा तो पीछे की तरफ दौड़ता हुआ एकदम स्पीड में आने लगेगा, ठीक है। ये जो बटन है वीडियो स्टार्ट करने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए, ठीक है। इसको एक बार दबाओगे तो फोटो आपका कैप्चर हो जाएगा, और दबाए रखोगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बटन है एडजस्टमेंट करने के लिए दिया गया है, अगर आप